अगर आपका अपने आसपास के वातावरण से संपर्क टूट जाए तो आप मर जाएंगे, है ना? अनजाने में आपका जीवन आप बनाम ब्रह्मांड है। आपकी एक ही समस्या है, आपका मानसिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया है। आप इसे आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। सतगुरु, कई युवा मजबूरी में अपना जीवन खत्म करने का चरम कदम उठाने की सोचने लगते हैं। इस विषय पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से एक है, मेरे कई करीबी दोस्त आत्महत्या करने की सोचते हैं, मैं उन्हें इस विचार से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ, और वे योग नहीं करना चाहते। That's a rider, huh? तो यहाँ से इसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले योग क्या है? फिलहाल बदकिस्मती से इस देश में भी, जहाँ ये शुरू हुआ था, लोगों के योग के बारे में जो विचार हैं वे अमेरिकी तटों से आए हैं। उन्हें लगता है कि योग मतलब खुद को अलग अलग आसनों में मोड़ना, असंभव आसन, ताकि आप बचे हुए नूडल की तरह दिखें। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि योग का मतलब क्या है। योग का मतलब है मिलन। मिलन मतलब, फिलहाल आप यहां हैं, क्या आप सांस ले रहे हैं? आपका दोस्त भी आपको लगता है सांसें लेता है? ठीक है। आप जरूर खाना खाते होंगे, पानी पीते होंगे, कई अन्य स्तरों पर लेन देन होते हैं, लेकिन कम से कम इन भौतिक चीजों के मामले में आप समझते हैं कि इस लेन देन के बिना आप जी नहीं सकते। ऐसा है कि नहीं? हेलो। तो एक तरह से यह आपको बता रहा है, आप एक छोटे से प्राणी हैं, बस एक छोटे से पॉपअप। क्या आपकी फोन स्क्रीन पर पॉपअप आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं? इस धरती पर भी आप बस एक पॉपअप हैं और आप चले जाएंगे। हाँ, पर आपको लगता है कि आप अपने आप में एक अलग हस्ती हैं। नहीं, अगर आपका अपने आसपास के वातावरण से संपर्क टूट जाए तो आप मर जाएंगे, है ना? अगर आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। यही नहीं, हर कोशिका शरीर का हर परमाणु से भी छोटा कण लेन देन कर रहा है। ये लेन देन ना हो तो आप एक पल भी नहीं जी सकते। लेकिन मानसिक रूप से आप अपने आसपास एक परत बना लेते हैं कि आपको लगता है कि आप एक अलग हस्ती हैं, पूरी तरह से अपने आप में अलग हैं। योग का मतलब है जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को मिटाना, क्योंकि अगर आप जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को नहीं मिटाते तो अनजाने में आपका जीवन आप बनाम ब्रह्मांड होगा। मेरी ये बात आपको सुननी चाहिए, आप इस बारे में मेरी सलाह ले सकते हैं, ये मुकाबला करना अच्छा नहीं है। आप बनाम ब्रह्मांड हो तो आप हर हाल में मरना चाहेंगे। जब आपके सामने इतना बड़ा मुकाबला हो तो जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही लगने लगेगा। तो आम तौर पर लोग इसे ऐसे संभालते हैं, अचेतन तरीकों से इसे थोड़ा सा मिटाकर। कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है, अचानक उन्होंने अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को किसी और के लिए थोड़ा सा खोल दिया। अंग्रेजी कहावत फॉलिंग इन लव एक अच्छी कहावत है, क्योंकि आपके किसी हिस्से को गिरना होगा। आप प्रेम में ऊंचे नहीं उठ सकते, प्रेम में उड़ नहीं सकते, प्रेम में बड़े नहीं हो सकते, आपको प्रेम में गिरना होता है। इसका मतलब है, इसका मतलब है आपके किसी हिस्से को मिटना होगा, आपके किसी हिस्से को गिरना होगा, आपको किसी और चीज के लिए जगह बनानी होगी। यानी थोड़ा सा अचेतन योग आपने किया, क्या वो अब भी योग नहीं करना चाहता? तो सीमाएं तोड़ने की ये चाहत अगर एक बहुत ही बुनियादी भौतिक रूप में व्यक्त होती है तो इसे कामुकता कहते हैं। अगर ये भावनाओं में व्यक्त होती है तो इसे प्रेम संबंध कहते हैं। अगर ये मानसिक अभिव्यक्ति पाती है तो इसे आकांक्षा, विजय या बस शॉपिंग कहते हैं। अगर ये एक जागरूक अभिव्यक्ति पाती है तो हम इसे योग कहते हैं। आपके जीवन में आपको क्या लगता है, आप जो भी करते हैं उसे कैसे करना अच्छा होगा, जागरूक होकर या अचेतन होकर?
आपको क्या लगता है? जागरूक होकर, अगर आप जागरूक होकर सीमाएं तोड़ते हैं तो आप समझते हैं कि आप बेकार में एक मानसिक ढांचा बना रहे हैं जिसमें आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप इसे जागरूक होकर मिटाते हैं तो इसे योग कहते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से इसे मिटाते हैं तो इसे सेक्स कहते हैं। अगर आप इसे भावनाओं से मिटाते हैं तो इसे प्रेम कहते हैं। अगर आप मानसिक रूप से इसे मिटाने की कोशिश करते हैं तो इसे सफलता, जीत, आकांक्षा, तृप्ति, विजय, ऐसी चीजें कहा जाता है। लेकिन ये सभी चीजें कितने समय तक टिकती हैं? कुछ पल, क्योंकि ये अचेतन है। अगर आप जागरूक होकर अपने व्यक्तित्व की सीमाएं मिटा दें तो आप ब्रह्मांड की तरह बैठ सकते हैं उसी स्थिरता के साथ। Now, where do you want to die and go? अब मर जाने के लिए कौन सी जगह है? क्योंकि वो कोई भी चीज जो आपने नहीं बनाई है, आपको उसे नष्ट करने का कोई हक नहीं है, है ना? क्या आपने ये जीवन बनाया? हेलो, क्या आपने ये जीवन बनाया? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। फिर क्यों? आपकी एक ही समस्या है, आपका मानसिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया है। आप आसानी से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं, उसे योग करना चाहिए।